नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं 2023 के यूपी टेट जो आने वाले हैं, यूपी टेट उसके मैथ के सिलेबस क्या रहने वाले हैं। अक्सर प्रशिक्षुओं का मैथ वीक होता है। अब तो बीएड वाले प्रशिक्षु बाहर हो चुके हैं प्राथमिक से, यानी कि जो प्राथमिक वाला जो यूपी टेट होगा, सी टेट होगा, यानी कि बशर्ते मैं यूपी टेट की अगर केवल ही बात कर लूँ तो केवल डीएलएड वाले बच्चे बैठेंगे। और डीएलएड वाले में अगर 90% मैं बच्चों की बात करूँ, 90 नहीं तो कम से कम 85% बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनका मैथ वीक होता है। अगर वो मैथ में बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी उनकी हो जाती है, जितना मैं आज पढ़ाऊँगा, आज बताऊँगा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट कर लूँगा, तो आप सभी इस सब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ये एक तरह से आपके लिए न्यू का काम करेगा। और मैं बहुत ही जल्द आप सभी के लिए फ्री टेस्ट भी लॉन्च करूँगा समय समय पर, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है इस वीडियो के नीचे आ जाएं उनको पुरानी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आ जाइए, पुरानी वीडियो सभी के सभी सब्जेक्ट के एक लिंक मिल जाएगा। और जो वीडियो मैं डालूँगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर भी मैं डालता रहता हूँ। नोटिफिकेशन नहीं जाता है अगर यूट्यूब से तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, इसके लिए मैं भरपूर रूप से आपके सामने जो टॉपिक लिखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं मिसलेनियस, उसको मैं अलग से कराऊंगा। जो पेडागॉजी मैथ होता है बच्चों, वह बहुत ही अलग है, वह सी टेट में ही केवल पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं केवल 30 नंबर, क्योंकि 30 नंबर मैथ के आएंगे यूपी टेट में और सुपर टेट में भी, तो यानी कि 30 नंबर में से आपको एकाध क्वेश्चन, मतलब कि मैं मान लूँ अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा तो एक क्वेश्चन पेडागॉजी का मिलेगा। यानी सी टेट में जो मैथ पूछे जाते हैं वैसा मैथ केवल एक क्वेश्चन हमको मे बी पॉसिबिलिटी रही तो देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हर एक टॉपिक को समझते चलते हैं। आप लोग नोटबुक पे अपने पहले पेज पर इस टॉपिक को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो मैथ के टॉपिक वाइज मैं लॉन्च करूँगा वीडियो में पढ़ाते चलूँगा, उसको आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ बच्चों। पहला है नंबर, यानी कि संख्या की बात कर लें। संख्या से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, तो उसके ऊपर मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो लाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। करीब करीब आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं, सर कितने मिनट का वीडियो रखा जाए, तो आप लोग सजेस्ट कर लें जिससे कि मैं उतने मिनट का वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट जरूर आना चाहिए आप सभी के। नेक्स्ट, जो दूसरे टॉपिक है आपका संख्याओं, संख्याओं का जोड़ बहुत ही बेसिकली, जो हम देखते हैं कि बहुत हार्ड बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, खैर उसका मतलब नहीं होता है प्रशिक्षु, है ना। तो हमें बस वही पढ़ के जाने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट हो। बहुत हार्ड पढ़ने का मतलब ही कुछ नहीं निकलता है ऐसे एग्जामों के लिए, जिसमें कि इजी पढ़ के क्लियर हो सके। इसके बाद घटाओ, मतलब कि आपको माइनस और मल्टीप्लिकेशन और भागा, यानी कि आपको डिवीज़न पढ़ने हैं। बहुत अच्छे से हम बताएंगे हर एक नंबर का जोड़ना घटाना गुणा भाग, मतलब कि यह कह लीजिए बॉड मास रूल आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। मैक्सिमम बच्चों का क्लियर तो होता है लेकिन बच्चे गलत करते हैं, है ना। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ से, अगर आप लोग हो सके तो ज़रूर बताइएगा। 2 के पावर 2 के पावर में 3 इसका आंसर क्या होगा, 2 के पावर में 2 के पावर में 3 इसका आंसर क्या होगा। इन दोनों का राइट आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिखेंगे, इसके साथ ऐसे, तो ध्यान देंगे बच्चों जो मैं बताना चाहता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। एलसीएम एचसीएफ पर बहुत ही भरपूर रूप से आपको 6 से 7 वीडियो मैं लेकर आऊँगा जो आपके सुपर टेट तक की तैयारी करा देगा। और यह प्राइमरी के लिए साथ साथ, अगर जो बच्चे सेकेंडरी के एग्जाम, जो डीएलएड वाले बच्चे सेकेंडरी, मतलब जूनियर वाला भी एग्जाम डीएलएड के लिए, मतलब इस यूपी टेट वाला एलिजिबल है तो वो भी दे सकते हैं, तो उसमें भी ये काम करेगा। मैं इस लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो धुआं धुआं आप कर दोगे। मतलब कि एक एक चीज़ फ्रैक्शन का मैं बता दूंगा इतने बेहतरीन तरीके से बच्चों आपकी, कि फ्रैक्शन से ही मैक्सिमम चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे। रेशियो और फ्रैक्शन दोनों चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ, रेशियो और फ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं तो इससे सारे के सारे डेसिमल वाले भी, परसेंटेज वाले, सीआईएसआई से टाइम एंड डिस्टेंस मेजरमेंट, प्लस यहाँ से जो आपका आता है क्या हो गया ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वह सब आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल में जैसे फ्रैक्शन वाले में और रेशियो वाले में और डेसिमल वाले में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जोड़ घटाना का आ जाता है, आरोही और रोही, मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग में ऑर्डर में जमाइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए बहुत बेसिकली आप प्रैक्टिस हम कराएंगे, उससे आपका तैयारी हो जाएगी। यूनिटरी मेथड आपने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से लगाए जाते हैं। जो यूनिटरी मेथड होता है इसे कहते हैं हिंदी में एकिक नियम, एकिक नियम, मतलब यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे।
खैर यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बाद परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें परसेंटेज को डेसिमल में दे देगा, डेसिमल फ्रैक्शन दे देगा, तो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोलेगा। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और मैं बता दूं आपको यूपी टेट में जो 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें से केवल 5 को अगर निकाल देना तो 25 केवल और केवल अगर 6 वाले बच्चों को बैठा दिया जाए ना, 6 और 7 वाले को, तो वो भी उड़ा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल न डरें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, मोटिवेट रहें। और जो लोग कहते हैं बहुत हाई आता है, तो मैं भी दिखाऊंगा कितना हाई आता है। आप सभी को पेपर भी करवा दिया हूं, प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से यूपी टेट स्टार्ट हुआ है, और जब अब 2021-22 तक जब तक मतलब आज तक में जितनी बार यूपी टेट हुआ है सबका मैंने पेपर कराया हुआ है, पूरे फुल पेपर, तो आप आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। CISI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन कुछ आएंगे, उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट हम आपको बताएंगे, तो आप लोग फार्मूले से भी सीख सकते हैं। DLED पढ़ के आए होंगे तो भाई, इसके बाद अन्यथा कंडीशन में साधारण सा ट्रिक बता दूंगा आपको, बस देखते ही क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे मात्र ब्रिज मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, मतलब इस समय और दूरी, और जो रेलगाड़ी वाला आता है ना प्रश्न, रेलगाड़ी वाला आता है, मजदूर वाला आता है, तो टाइम और वर्क उसे कहते हैं। मजदूर वाला आ गया, इतने मजदूर, इतने औरत, इतने बच्चे, अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो इतने बच्चे, इतने औरत, इतने पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। मेजरमेंट के कुछ, जैसे कि दे दिया आपको डिस्टेंस को मीटर है तो उसको सेंटीमीटर बदलने के लिए, किलोमीटर है तो हो सकता है कि उसको मीटर बदलिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं मेजरमेंट के, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर यह मेजरमेंट जो है हर टॉपिक में यूज होता है, जैसे आप जब यह पढ़ेंगे कहाँ गया एरिया वाला, एरिया वॉल्यूम, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग अलग मात्रा के होंगे, मात्रक के होंगे, तो उसको हमको यूनिट थोड़ा सा बराबर इक्वल बनाने के लिए मेजरमेंट पे ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी हमें। तो मेजरमेंट बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें एंगस्ट्रॉम पूछ लेता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं, जिसमें आपको पूछ लेता है कभी माइक्रोमीटर बराबर बताओ, है ना, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो इन सब के बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे मेजरमेंट वाले चैप्टर में। इसके बाद एरिया, एरिया में आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो सर्कल दिया गया है, और एक तरह से क्यूब, एक तरह से आयत और वर्ग दिया गया है, आयत और वर्ग दिया गया, लेकिन हमें सभी टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा इसमें। एरिया जितने भी एक तरह से ग्राफ, जितने भी तरीके से निकल सकते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज हो गया जिसे हम ट्रेपोजियम कहते हैं, प्लस आपके काइट वाले तरीके से हो गया, मतलब हर एक चीज़ का हमें इसमें भरपूर रूप से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके आगे वाले सुपर टेट की भी तैयारी हो सके। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपके जो सिलेबस में दिया घन और घनाभ दिया गया, यानी क्यूब और क्यूबॉयड दिया गया है, क्यूबॉयड, तो हम आपको घन और घनाभ के सिवा भी सर्कल के बारे में, वॉल्यूम के, नहीं सर्कल नहीं, गोला के बारे में, स्फीयर के बारे में हो गया, वर्ग के बारे में, है ना, वर्ग का मतलब घन घनाभ हो गया, इसके बाद स्फीयर बचा, इसके बाद आपको सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, सब के बारे में बताऊंगा वॉल्यूम, ठीक है। सॉरी, कैलेंडर, कैलेंडर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नॉलेज लेंगे, कैलेंडर से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, वैसे रीजनिंग में आता है, खैर टाइम और कैलेंडर ये आप अलग टॉपिक रखिएगा, इसके लिए मैं एक एक घंटे का वीडियो बनाऊंगा, बहुत भरपूर रूप से पढ़ेंगे उसमें। मनी, मनी में आपको रुपया पैसा चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, वैसे एक जो टॉपिक है आपके सीटेट का है, अगर एक दो क्वेश्चन इससे आ जाता है तो आप कर सकते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन से अल्जेब्रिक फ्रैक्शन कुछ आ जाते हैं, अल्जेब्रिक फंक्शन से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्स वाई चर अचर राशि में, तो उस वैसे क्वेश्चन कुछ अगर एक दो उनको देखने को मिल सकते हैं। माध्यमाधिका यानी कि मीडियन, मीडियन के बाद मॉड हो गया बहुलक, यानी इसके बाद मीन हो गया और मीडियन हो गया, इसके बाद ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री में जो शेप हैं आपके, बहुत सारे शेप हैं, आपको पता है कि प्लेन हो गया, लाइन हो गया, एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, और क्या है इसमें, पैरेललोग्राम हो गया, इन सभी चीज़ों से हम लोग बहुत ही अच्छे से नॉलेज लेने वाले हैं बच्चों। तो ये रहा आपके मैथ के सिलेबस, अब मैं बेसिक कुछ चीज़ें बात कर लेता हूँ, आप लोग को ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना है। बेसिकली जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी टेट, कितने नंबर का क्या पूछा जाता है, तो खैर इसको मैं इतने पे रहने देता हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो खैर अब आपके डिमांड के आधार पे टाइमिंग भी आप बताइएगा, जैसे कि मैं यह सोच रहा हूँ कि भाई आपका 9 जो 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यह मैथ की क्लास लग जाए, क्योंकि 12 बजे एक DLED की क्लास आती है, तो 12 से करीब 12:30 और 1:15 बजे तक होती है, उसके बीच में आप, तो मतलब कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर आपका लग जाता है तो मैक्सिमम बच्चे उसे शाम तक, रात तक बच्चों के पास रीच हो जाएगा उसका, और बच्चे देख सकते हैं, नहीं तो जैसा कहें, रात में 9 बजे भी कहेंगे तो 9 बजे मैं लगा दूंगा क्लास, जैसा आप कहें टाइमिंग बताएंगे,
और कब से स्टार्ट करना है भी बताएं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। मेरे पास बस मैं एक महीने लेके चल रहा हूँ, एक महीने में मैं आपका मैथ सीमेट कर दूंगा, फिर SST स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद, आपकी एडवाइस मेरे लिए सर्वोपरि होगी महोदया, धन्यवाद।